देश की सम्मानित शिक्षा मित्र भाई बहनों, मैं रविंद्र सिंह श्री राजूदास शिक्षा मित्र उत्थान मंच प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, लगातार विगत एक साल से हमारी टीम आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में आपके मान सम्मान के लिए निरंतर संघर्ष कर रही है। साथियों, वहीं दूसरी ओर मैंने सोशल मीडिया पर देखा एक हमारे आदरणीय नेताजी जो लगातार हमारी टीम पर, आदरणीय महात्मा जी पर उंगली उठाने का कार्य कर रहे हैं। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने अपने ऑडियो के माध्यम से पूछना चाहा कि जो राजूदास उत्थान मंच शिक्षा मित्रों के भविष्य को लेकर के लगातार सरकार के साथ सार्थक कदम से कदम मिलाकर के कार्य कर रहा है, उससे उन्होंने पूछा है क्या संगठन का रजिस्ट्रेशन है। साथियों, नेताजी से पूछिए, कोई मैदान में उतरने से पहले अपने सारे हथियार स्वयं समेट लेता है, नेताजी को बताना पड़ेगा, इनको इतनी भी अकल नहीं रह गई है। साथियों, विचार करिए, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरे शिक्षा मित्र समाज को आज अर्श से फर्श पर लाने का कार्य किया है। इनके कुरुकृत्यों का आज शिक्षा मित्र समाज इनके किए गए कार्यों को भुगत रहा है। ऐसे लोग जब देख रहे हैं कि आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में अयोध्या की पावन धरती से एक विशाल काय महायज्ञ होने जा रहा है, आप सभी जानते हैं कि 2 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और आचार संहिता लग जाएगी। ऐसा नेता जो लगातार 4 वर्ष से सरकार के साथ सार्थक पहल कर रहा था, आज अचानक जब उसका जमीन, उसकी राजनीति, उसकी महत्वाकांक्षा सब खत्म हो रही है, तो नेताजी का जो है दिमाग खराब हो गया है, मानसिक रोगी हो चुके हैं नेताजी, जो लगातार टिप्पणी करने का कार्य कर रहे हैं। नेताजी से पूछना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र समाज ये आपका बंधुआ मजदूर है? आप लोग जब तक चाहेंगे इससे सिर्फ धन उगाही करने का कार्य करते रहेंगे? नेताजी ने पूछा कि जिस संगठन का रजिस्ट्रेशन है उसका खाता नंबर है। नेताजी, लूटने का कार्य आप लोगों ने किया है। श्री राजूदास शिक्षा मित्र उत्थान मंच पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ कार्य करने वाली टीम है और इसका प्रमाण अयोध्या की पावन धरती से शिक्षा मित्रों के भविष्य को उज्जवल करा करके तुम जैसे नेताओं को सबक सिखाने का कार्य आदरणीय महात्मा जी की टीम का एक एक सिपाही करेगा। और मैं कहना चाहता हूं, साथियों, विचार करना चाहिए, जो लोग आज तक बिलों में घुस गए थे, अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं और आपको डराने का कार्य करते हैं कि यदि अयोध्या की पावन धरती से आपका मान सम्मान वापस नहीं हुआ तब क्या होगा। साथियों, ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये आपके कार्यक्रम को पूरी तरह से विफल करने की योजना बना करके आप को टारगेट कर रहे हैं। ये जवाब देना है उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन को। और ये एक ऐसा समय है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में आपको मिला है और आपको पूरी ताकत के साथ इस मंच का सहयोग करना है। आपको किसी संगठन के बहकावे में नहीं आना है। ऐसे स्वयंभू नेता जिनका अस्तित्व खत्म हो रहा है, उनके पास विधवा विलाप करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। हमारी टीम का उद्देश्य है ऐसे नेताएं, ऐसे नेता जिन्होंने हमेशा शिक्षा मित्र भाई बहनों को
अगर मुझसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र भाई बहनों को मारने का कार्य किसने किया है, तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा ऐसे ही नेता जो समय समय पर आपके साथ राजनीतिक षड्यंत्र करके आपको गुमराह करते हैं, आपकी चट्टानी एकता को तोड़ने का कार्य करते हैं, हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन मन के इतने अच्छे कि किसी के भी बहकाव में अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। साथियों, ये समय है, पूरे धैर्य के साथ इन नेताओं को जवाब दीजिए और एक ऐसी ताकत बनकर उभरिए कि पूरे उत्तर प्रदेश का एक एक शिक्षा मित्र समाज अयोध्या की पावन धरती पर अपनी एकता को दिखाएगा। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मेरी टीम के द्वारा जो सहयोग अभियान चल रहा है उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में, युद्ध स्तर पे तैयार करिए, युद्ध स्तर पे तैयारी करिए, और जिन जनपदों में अभी हमारी रसीदें नहीं पहुंची है उनसे भी कहना चाहता हूँ, आप लोग अपने यहाँ रजिस्टर बना करके कार्य करने का कार्य प्रारंभ कर दीजिए और रसीदे आप तक पहुंचाने का कार्य हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है। हम डरने वाले नहीं है, हमने किसी का खाया नहीं है। हाँ, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है और देखना है जीत किसकी होती है। ऐसे नेताओं को दमी दोष करने का समय आ गया है। तो साथियों, मैं उत्तर प्रदेश की अपनी सभी बहनों से, अपने सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, एक बार भरोसा करके इस भाई का और ये हमारी टीम पर भरोसा करके आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में एक विशाल जनसंख्या अयोध्या की धरती से दिखाइए। आपका मान सम्मान आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जरूर मिलेगा। आप लोग कहीं से परेशान मत हो, किंचित मात्र भी अपने लक्ष्य से मत भटकिए और निशाना लगाइए अपने लक्ष्य पे और बजरंग बली का नाम लेकर के अयोध्या चलो का नारा बुलंद कीजिए और ऐसे